बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और आप सभी को पता है कि संध्या का और मेरा लव मैरिज है, हम लोग लव मैरिज किए हैं और घर से भी पता है कि परेशान बहुत ज़्यादा हैं, हद से भी ज़्यादा, क्योंकि घर वाले भी मतलब साथ नहीं दे रहे हैं और गांव वाले भी परेशान करते हैं, तो हम लोग गांव में भी नहीं रहते हैं और इस यहाँ दिल्ली में आके रहते हैं। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा होगी सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देख सकते हैं अभी सुबह सुबह हो गई है और सुबह सुबह हम लोग ये ब्लॉग बना रहे हैं और अभी सुबह से देख सकते हैं ये खाना भी बन गया। तो सबसे पहले सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी देख सकते हैं इधर संध्या ने बना लिया खाना और खाने में क्या क्या बन गया आज तो वो भी दिखाते हैं। तो पहले तो देख सकते हैं इधर रोटी बन गई, पंखा बंद है कर दो, कड़ी चावल हाँ। कहते हैं तो देख सकते हैं इसमें कड़ी बन गई, इसमें चावल बन गया और रोटी भी बन के तैयार हो गई है और इधर ही बैठी पड़ी है अंदर। तो फिलहाल में अभी देख सकते हैं रोटी मोटी सब कुछ बन गई, तैयारी हो गई है और अभी हम लोग घूम रहे हैं छत पर। मैं इधर देख सकते हैं छत पर और धूप भी बहुत तेज़ हो गई है और इधर हो रही है गर्मी सबसे ज़्यादा। इधर गली में देख सकते हैं गली में भी कुछ लोग हैं, काम हो रहा मतलब इधर कुछ लोग ड्यूटी जा रहे हैं और इधर आंटी देख सकते हैं झाड़ू लगा रही हैं और हम लोग फिलहाल में अभी छत पे घूम रहे हैं। तो आज चलेंगे साइड पर और आज साइड का सारा कुछ नज़ारा दिखाएंगे कि कैसे क्या होता। और मैं भी जाऊंगा और महेंद्र और संध्या भी जाएंगे। अभी देख सकते हैं आगे कमरे में अंदर और इधर ही पता नहीं क्या करके आए, कायम तो लाइट जल गई, बिना लाइट का तो अंदर कमरे में अंधेरा लगा रहता है। और देख सकते हैं इधर भगवान जी बैठे पड़े मंदिर। तो चलो आज ना पूरा सब कुछ आप सभी को बताएंगे कि क्या करते हैं कैसे करते हैं, सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा आज इस ब्लॉग में। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बने रहिए एंड तक इस ब्लॉग में। तो चलते हैं अभी खाना भी खाएंगे, पहले तो खाना खा लेते हैं फिर चलेंगे साइड पे। तो गाइस इधर देख सकते हैं खाना माना रखा गया इकट्ठा और इधर देख सकते हैं ये मुँह बा के पड़ी है गर्मी, यहाँ ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और आप सभी को पता है कि संध्या का और मेरा लव मैरिज है, हम लोग लव मैरिज किए हैं और घर से भी पता है कि परेशान बहुत ज़्यादा हैं, हद से भी ज़्यादा, क्योंकि घर वाले भी मतलब साथ नहीं दे रहे हैं और गांव वाले भी परेशान करते हैं, तो हम लोग गांव में भी नहीं रहते हैं और इस यहाँ दिल्ली में आकर रहते हैं। तो यहाँ पर इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और काम क्या करते हैं पता ही है आप सभी को, वो भी आज इस ब्लॉक में देखने के लिए मिलेगा क्या काम करते हैं। और अभी हमारी और संध्या की भी शादी भी नहीं हुई तो वो भी करेंगे, तो आप सब अगर सपोर्ट करेंगे तो बढ़िया से शादी भी करेंगे और बढ़िया से मतलब सारा कुछ करेंगे फिलहाल तो। और अभी किराए से ही कमरा ले रखे हैं यहाँ दिल्ली में, तो किराए से ही रह रहे हैं और देख सकते हैं कैसे लेटे पड़ी है। मतलब आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास सब कुछ होगा और हमारी जो भी परेशानी होगी दूर होगी। अभी हम लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि परिवार वाले भी साथ नहीं देते हैं, माँ बाप भी साथ नहीं देते हैं ना इसके। तो अभी फिलहाल में देख सकते हैं खाना नमाना यहाँ ना दिया महेंद्र ने और उधर संध्या अपना रोटी पी रही हैं और पंखा देख सकते हैं चल रहा है, आवाज़ भी आ रही होगी पंखा की, काफ़ी तेज़ चल रहा है। यहाँ गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है, देख सकते हैं कितना तेज़ धूप है बाहर, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है ना दिल्ली में, हद से भी ज़्यादा, पूरा शरीर एकदम मतलब काम करते हैं धूप में तो काला काला हो रहा है पूरा। और इधर तो इसका तो तबीयत खराब ही है, मतलब ये गड़बड़ चल रहा है और वो भी गड़बड़ चल रही है, अभी थोड़ा बहुत हम ही सही है। और घर में आधा रोटी खा लो और एक ये पंखा है, एक ये वाला पंखा और एक ये वाला, मतलब तीन लोगों के अलग अलग पंखा है और इधर रोटी पी रही है। तो चलो पहले तो रोटी खा लेते हैं फटाफट। तो अभी फिलहाल में देख सकते हैं खाना हो गया स्टार्ट, इधर मतलब चावल है, कढ़ी है, रोटी और सब लोग बैठ गए हैं, बैठ जाओ। और ये देख सकते हैं वो अभी खड़ी है, कह रही है बाद में खाएंगे, पहले तुम लोग खा लो। तो चलो पहले हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद ही खाते हैं। तो अभी मैंने तो खाना खा लिया, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया दाल चावल कढ़ी और चावल खाने में। तो अभी ये देख सकते हैं इधर दोनों जने लगे पड़े हैं, इधर मैंने खा रहा हूँ इधर संध्या भी खा रही है और मैं तो खा के फुर्सत हो गया। इधर ये रोटी रखी हुई है, ये चावल मावल ये सब खा रहे हैं, खाने दो इनको, खा लो। और मैं तो खा के एकदम फुर्सत हो गया, तैयार हो गया, अब चलेंगे साइड पर यहाँ से सीधे। तो चलो अब चलते हैं साइड पे, इधर ताला माला भी लगा देते हैं। ठीक हो अम्मा? तो मोबाइल ले रहे हैं क्या? कन्हु में कौन ले रहा? किचन की चाबी आपको जब भेजा लगा दूं लेता हूं मैं, लगा दी।
अब चल रहे हैं साइड पे यहाँ से सीधे, और ताला माला भी लगा दिया। खाना तो ले नहीं जाना है क्योंकि यही पास में साइड है, तो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे और देख सकते हैं कैसे चीवा करेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय, इसमें लिए गर्मी लग रही है। तो अभी चलते हैं साइड पे, वहीं से खाते हैं। साइड कहाँ है, यहीं थोड़े दूर में है कमरे से, तो खाना तो ले नहीं जाते हैं, यहीं लंच में आएंगे खाना खाने के लिए। तो चलो चलते हैं, इधर ताला माला सब लोग सवरा लग गया, इधर किचन में भी लग गया, कमरे में भी लग गया, और ये रही चाबी। तो चलो चलते हैं अब। तो देख सकते हैं अभी पहुंच चुके हैं साइड पे, और इधर देख सकते हैं साइड कितना सारा लंबा चौड़ा है, और अभी क्या काम हो रहा है वो भी दिखाएंगे। फिलहाल तो देख सकते हैं, पहले तो ऊंचाई देख लीजिए आप सब, यहाँ से देख सकते हैं कितना नीचे लोग जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नीचा है यहाँ से। तो ये फिलहाल में अभी 3 मंजिल ऊपर काम हो रहा है, मतलब 3री मंजिल पे चौथी बना रहे हैं, 3 बना पड़ा है, चौथा बन रहा है, तैयारी हो रही है, और अभी काम हो रहा है। देख सकते हैं चिनाई, ये 4 इंची लग रही है इस तरफ, और ये इधर भी 4 इंची, और ये 9 इंची है सामने वाली, ये सारी 4 इंची, मतलब केवल पीछे वाली 9 इंची बा, और ये कॉलम वॉलम सारे पूरे भर चुके हैं देख सकते हैं। वो 2 फार्मर लास्ट में कल भरे थे तो वो भी खोल रहे हैं, और आज करेंगे चिनाई। और इधर जैसे तो पूरा लेबर आ गई है तैयार होके, इधर संध्या भी बैठी पड़ी है पानी पी रही है, मैंने पानी वानी पी लिया, वो पानी आ गया। तो चलो अब काम स्टार्ट करेंगे, पहले तो फार्मा खोलेंगे फिर चिनाई करेंगे मसाला बनवा के। तो फिलहाल तो अभी पानी वानी पी लेते हैं और फिर फार्मा खोलेंगे। और देख सकते हैं कितना सारा लंबा है साइड यहाँ से पूरा एकदम चारों तरफ, और मौसम भी आज थोड़ा नॉर्मल है, आज गर्मी कम है, देख सकते धूप कम है क्योंकि बादल वादल हैं, हवा भी चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा भी अच्छी बह रही है, और धूप भी आज कम है थोड़ी। फाइनली देख सकते हैं फार्मा खुल गए हैं, ये देख सकते हैं ये वाला भी खुल गया और ये वाला भी खुल गया, और इधर पड़े हैं फार्मा खुल के, ये पड़े हैं, और सीमेंट भी आ गया देख सकते हैं, ये आ गया सीमेंट, ये 1.5 बोरी सीमेंट आ गया, और इधर मसाला भी संध्या ने मतलब बनाने की तैयार कर दी है, नप दी क्रेशर, और यहाँ संध्या बैठी पड़ी है देख सकते हैं। ये क्या फूट गया, तो देख सकते हैं इसके लीलार पे ना चोट लग गया, देख सकते हैं कैसे खून निकल रहा है, ये फर्मा से चोट लग गई है तो खून निकल रहा है इसका। और इधर इसने मसाला नप लिया, और मसाला ससाला नप गया, और फटाफट मसाला बनेगा। तो संध्या कुछ कहेगी, संध्या कुछ कहो। तो गाइस तुम लोग यार मदद करो यार, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समय, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा परेशानी है, कितना इतना धूप में देख सकते हैं कितना तेज धूप है, कितना गर्मी है, 50 डिग्री तापमान जा रहा है यहाँ दिल्ली में, पूरा 50 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा है, और इस धूप में हम लोग यहाँ घर से भाग के आए तो हम लोगों को यहाँ मजदूरी करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा कोई संग देने वाला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, मतलब कोई इस समय ना कोई सहारा नहीं दे रहा, ना घर का दे रहा है ना कोई बाहर का, इस समय बहुत ज़्यादा हद से भी ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, इसलिए अभी हम लोग कुछ भी कर भी नहीं पा रहे हैं, क्या करें, इसलिए आप लोग कुछ बोलोगे, ये लोग कुछ मदद करेंगे तो हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, सही होंगे है ना, अपना घर मर सब कुछ बनाएंगे, अभी तो घर वाले भी घर से निकाल दिए तो हमारे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं बची, बाहर से आ गए इस समय, तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के थोड़ा ऐसे ही बढ़िया मतलब वीडियो भी बनाएंगे, और आगे चल के मतलब सब कुछ होगा, सही होगा अगर सपोर्ट करोगे तो। तो गाइस अभी फ़िलहाल में मसाला नपने लग गया, देख सकते हैं इधर नप रहा मसाला, ओह सॉरी मसाला कटने लग गया, तो ये चढ़ गए, ये तो थक गए काटते काटते, तो जीना चढ़ गए, और इधर महेंद्र अभी काट रहा है मसाला, देख सकते हैं कैसे मसाला यहाँ काट रहा पड़ता पूरा, देख सकते हैं एकदम ऐसे मिलाया जाता। ओ हेलो कहते कहते चढ़ गए तुम हैं, अरे भगया नहीं अच्छी हो, तो देख सकते हैं अभी इधर मसाला कट रहा और उड़ भी रहा, कितना ज़्यादा धूप हवा चल रही है, काफ़ी सुंदर लग रहा है आज तो मौसम एकदम टना टन है। तो चलो मसाला कट जाने देते हैं फटाफट। फिलहाल में मसाला बन के तैयार हो गया और पानी भी डलने लग गया मसाले में, और इधर से देख सकते हैं पानी निकल रहा है ड्रम में से, ठीक निकालो पानी, क्या तो कर रहे तुम ठीक हो, जैसे तो इसमें मीठा पानी है और इसमें खारा पानी है, तो ये खारा पानी तो डालते नहीं, ये मीठा पानी डालेंगे, और ये डल रहा है अभी पानी, देख सकते कितना हो गया,
और इधर मैंने कर दी पेड़ बना के तैयार। ये देख सकते हैं दादी दौरे वाले की चिनाई होगी, ये पेड़ पूरी बन के तैयार हो गई है। और अब करेंगे हम चिनाई, पेड़ तो बन गई। इधर मैंने पेड़ बना दी और इधर संध्या ने मसाला बना दिया है, मसाले में पानी डल रहा है। तो अब मतलब सारे काम तैयारी हो गए हैं, तो अब चलेंगे चिनाई करने के लिए। तो चलते हैं, पहले तो फटाफट अभी तो इनको और काम कर लेने दो, थोड़ा मसाला बनाने में देर है, तो वो भी बन जाने दो, तो पूरा तैयार हो जाए। और उधर देख सकते हैं अभी पानी रह गया, थोड़ा डालो जल्दी, अभी और पानी डाल रही है संध्या। थोड़ा कम रह गया था तो वो भी डाल रहे हैं, ये देख सकते हैं। इधर पानी डल रहा है और इधर मैं पेड़ बना रहा, थोड़ी कमी थी तो वो भी पूरी बना देता है। तो पेड़ बन जाने दो और मसाले में पानी भी डल जाने दो, उसके बाद करेंगे चिनाई। तो अब संध्या का मसाला बनके पूरा तैयार हो गया और इधर संध्या रखने लगी ईंटें, अब करेंगे चिनाई। और उधर मैं देख सकते हैं ये पानी डाल रहा ऊपर, देखिए पीछे कपड़ा ना डले हूँ छत पर। तो अब सामान वामान भी देख लेते हैं, ये ही देख सकते हैं कड़ी और ये बस मिली, दो आइटम मिल गए। और ये रहा सूट, इससे मतलब सिलाई का पता पड़ता है, सूट बनता है सिलाई में, आप सबको पता होगा। साउल भी होता है, साउल भी अभी देख सकते हैं, साउल भी आएगा। तो ये रहा साउल और इधर ईंटें भी रखी जाने लगी हैं, सब लोग रख रहे हैं। और ये देख सकते हैं मसाला तैयार है। तो चलो फटाफट सिलाई करेंगे, पेड़ पे चढ़ेंगे। तो ये देख सकते हैं इधर है पेड़ और मौसम एकदम ठंडा है, बादल है। तो देख सकते हैं अभी चिनाई इतनी हो गई है, स्टार्ट भी हो गई है, मतलब 5-7 रद्दे भी लग गए हैं। और इधर संध्या ला रही है मसाला और संध्या ईंट रख रही है, संध्या ही मसाला ला रही है और महेंद्र ला रहा है क्रेशर। तो देख सकते हैं अभी मसाला लेके आ रही है, पीस में डालेगी। तो ये डाल दिया मसाला और ईंट भी रखेगी अभी, मतलब काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं कितना मेहनत करना पड़ता है। यही ईंट दे रही है, यही मसाला दे रही है, मतलब ठेकेदार दो ही लेबर दे रखा है हम लोगों को। तो ऊपर काम चल रहा है तो माल भी चढ़ाना है, तो वो मेहनत माल चढ़ा रहा है और संध्या यहाँ ईंट कर मसाला दे रही है। और 9 इंची देख सकते हैं चिनाई हो रही है, ये 9 इंची में हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रही है क्योंकि गर्मी भी लग रही है, धूप हो गई है कहीं से कहीं, अभी धूप नहीं थी अब धूप हो गया। और इधर मसाला ईंट कम कम पड़ जा रहा है क्योंकि लेबर ये की है और 9 इंची चिनाई है। और संध्या देख सकते हैं अभी पानी उधर देख रही है कि है कि नहीं है। और इधर मसाला तो दे दिया, ईंट भी रख रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है अकेले जो है। तो मैंने तो चढ़ा रहा क्रेशर, तो चलो धीरे धीरे कर ही लेते हैं, क्या करें, करना तो। 9 रद्दे लग गए और इधर मसाला थोड़ा सा और बचा है। और लंच का टाइम हो गया, 1 बज गया, तो अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए क्योंकि भूख भी लग गया, देख सकते पेट पूरा खाली हो गया। और इधर ये लोग हाथ पैर धो रहे हैं, देख सकते हैं हाथ पैर धो के, और मैंने तो हाथ पैर धो लिया, यही सब रह गए। तो धो के अब चल रहे हैं कमरे पे, वहाँ जाके रोटी खाएंगे, कमरा यहीं पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलो चलते हैं कमरे पे। कमरे पर पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं खाना माना भी खा लिया। और इधर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए डबल पंखा भी चल रहा है। और संजय इधर लेट ही पड़ी, खाना खा के बेड पर। तो चलो आज के ब्लॉग को यही ख़त्म करेंगे, मिलेंगे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आता है सब लोगों को अच्छा लगा हो, मस्त लगा होगा, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलो मिलेंगे फिर से एक न्यू ब्लॉग में, तो बाय बाय।